ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। चुरैटा से रतैरा तक बन रही मॉडल सड़क का हाल किसी से भी छिपा नहीं है। इस रोड की बदहाली का दंश रीवा की जनता पिछले 17 वर्षों से झेल रही है। वर्तमान में करोड़ों की लागत से मॉडल सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता की चर्चा शुरू से ही हो रही है। एक तरफ सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ गड्ढों में तब्दील हो रही है। शहर की सड़कों का दुर्दशा का श्रेय जहां ठेकेदार नेताओं को जाता है, वहीं सीवर लाइन का काम कर रही केके स्पान कंपनी ने भी अपनी अहम रोल अदा किया है, जो पूरे शहर की सड़कों को नालियों में तब्दील कर दिया है। करोड़ों की लागत से बन रही मॉडल सड़क की दुर्दशा पहले 17 वर्षों में बनी सड़कों के समान ही है। चुरैटा से रतैरा तक इस सड़क की गुणवत्ता की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़क का वेश कितना मजबूत बना है और सड़क कितनी मजबूत बन रही है, यहां की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। स्थानीय ठेकेदार नेता इस सड़क का निर्माण को दिखाकर विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। फ्लाईओवर और ओवरब्रिज पहले ही अपनी गुणवत्ता का प्रमाण गड्ढों में बदल और धराशायी होकर दे चुके हैं। घटिया सामग्री का उपयोग करने के चलते निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही सड़क अपने वजूद की कहानियां बयां कर रही है। हालांकि जनता को मालूम है कि कार्य उत्पन्न कर नेता ठेकेदार अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन 200 करोड़ की लागत से बनने वाली मॉडल सड़क से लोगों को यह आशा थी कि इस सड़क के बन जाने से कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे नहीं लगता कि रीवा की जनता की खुशी ज्यादा दिनों तक रह पाएगी। ये सड़क जो है तो बारिश की वजह से ये भीगा है और किला होकर मतलब दब गया है। क्या काम चल रहा है अभी? जी जी जी, तो काम जारी ही है। यहाँ पर तो अभी ऐसे कोई घटनाएं नहीं हुई है ना, सिर्फ वो दब गया है और अभी उसकी वजह से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा है। अभी काम चल रहा है जी, अभी काम। मेरा यह कहना है कि जो ये रतहरा से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क, शायद ही भारतवर्ष में ऐसी कोई सड़क होगी जो इतनी बार बनाई गई होगी।
और इतनी बार बनाई जाने के बाद भी आज तक वह सड़क उसी तरह। कभी वो सड़क डामर से बनाई जाती है, कभी वो सड़क आरसीसी से बनाई जाती है, कभी वो सड़क किसी और चीज से बनाई जाती है। घूम फिर करके ठेकेदार एक, बहुत सारी क्रेडिट का जो चीजें ठीक होती हैं उसका क्रेडिट हमारे रीवा के माननीय विधायक पूर्व मंत्री, जो अपने आप को विकास पुरुष का तमगा लगाए खुद ही घूमते हैं, उनके जेब में एक जेब में नारियल होता है, दूसरे जेब में कैंची होती है। दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं। इस बार तो 5 किलोमीटर की सड़क लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की बनाई गई और अभी बारिश नहीं आई। बारिश में आप देखिएगा कितनी दुर्दशा होने वाली। बारिश जैसे आएगी तो कई मोहल्ले डूब जाएंगे और सड़क ये बह जाएगी। अभी बारिश के पहले एक तूफान के दौरान थोड़ी मोड़ी जो बारिश हुई उसमें इनकी सड़क धस गई। कौन दोषी है? चलिए हम कहते हैं जांच कराइए। किससे जांच कराओगे? सड़क बनाने वाले ये, जांच करने वाले ये, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले ये, भ्रष्टाचारियों जो ये ठेकेदार हैं उनके पैसे से ये चुनाव लड़ते हैं। बस कुल मिलाकर के जनता देखे, जनता की खून पसीने की जो कमाई है उससे जो टैक्स होता है उस टैक्स की से ये सड़कें बनती हैं और ये कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की बढ़ चढ़ जाती हैं। इसका जिम्मेदार केवल और केवल बीजेपी और उनकी नीतियां हैं। आपके माध्यम से मैं इतने बताना चाहता हूं कि इनके जो काम है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते हैं। बस धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए संपर्क करें शहर के हृदय स्थल खुटे ही स्थित लोटस टावर। अलग अलग साइज की अलग अलग किराए पर व्यावसायिक दुकानें उपलब्ध। लिफ्ट, पार्किंग, हर फ्लोर में वॉशरूम, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की सुविधाओं से युक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान। संपर्क करें 7999530119 और 8770761277। पता याद रखें, लोटस टावर विश्वविद्यालय रोड खुटे ही रीवा।